कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में गंदगी से काफी परेशान हो चुके हैं लोग। सेक्टर 7 स्थित ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल के बाउंड्री के साथ साथ झाड़ियां व घास बढ़ता ही जा रहा है। इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। इन झाड़ियों में से सांप निकलकर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, जिसके चलते लोगों को जान का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार नगर परिषद, वार्ड MC व कुरुक्षेत्र MLA सुभाष सुधा से कई बार शिकायत कर चुके हैं और साथ ही यहां का मंजर भी उन्हें दिखा चुके हैं, परंतु अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या को जल्द हल किया जाए, नहीं तो जनता चुनाव में देगी जवाब। हाँ जी, बस इसी रास्ता नहीं साफ है, रास्ता नहीं बना है और यहाँ पे ये घास सारा उगा हुआ है, सारी समस्या है, सारी मिट्टी अंदर आ जाती है, सांप निकलते हैं। बहुत कुछ कहा, बहुत बार कहा, कहते करेंगे करेंगे, करता कोई नहीं, बोले आता ही कोई नहीं है। यहाँ पे हमें देखने, हमें क्या हो रहा है, पानी जमा होता है, सड़क बिल्कुल खराब पड़ी है, कोई नहीं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं हम। हमारा रास्ता बनना चाहिए और ये घास सारा कटना चाहिए, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। बरसात होती है, सारी मिट्टी मेरे इस सड़क की, ये सड़क नहीं बन रही है, पूरी सड़क बन गई है, पीछे छोड़ रखा अकेला। एक बस आती है, दूसरी यहाँ क्रॉस नहीं कर सकती, स्कूल वैन आ जाती है, दूसरी को पीछे होना पड़ता है। ये सड़क का हाल है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई नेता सुनवाई नहीं कर रहा। नेता डरते हैं, ये दीवार का क्या फायदा है, देखो कितनी घास उगी हुई है। जिस चीज का कोई फायदा नहीं है तो क्या सफाई होगी, क्या होगा, हमारा जीना दुश्वार हो रहा है यहाँ। बरसात के टाइम पे खास करके ना बड़ी दिक्कत आती है, करके इसने कबाड़े में सांप निकलते हैं, गोह निकलते हैं यहाँ पर के, और पता नहीं कहाँ इतने प्रकार के जानवर यहाँ पे निकलते हैं। बच्चे खेलते हैं, उनको भी काटने का डर रहता है करके। अभी आप देखो कितना कबाड़ा यहाँ पे हो रहा करके, बहुत ज़्यादा घास हो रहा है। या कोई ना कोई स्कूल वाला कटवाता, ना कोई बाहर से काटने वाला आता, ना कुछ। इसके इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं इस चीज़ पे ध्यान दे करके थोड़ा यहाँ की सफाई कराई जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। हर दिन कोई दिन खाली जाता होगा, किसी घर में कुछ ना निकल रहा, कभी सांप निकल जाती है, कभी गोंद निकल जाती है, या और कुछ जानवर निकलते हैं यहाँ पे। इतना घास, पाँच पाँच छः छः फीट का हाइट का घास हो रहा है यहाँ पे जी।